आज तक छपरा मगर भी पीएम किसान सम्मान निधि से 3 साल से वंचित है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं नीलमणि को कि उन्होंने इस बात को लेके शासन प्रशासन से लड़े और खतियोनी फीडिंग चल रही है। ये शासन प्रशासन बिल्कुल कान में तेल डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, यही सब चल रहा है। जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक लोग एक छप्पर के नीचे, अभी तक लोगों को पन्नी तक नसीब नहीं हुई है, एक छप्पर बना करके उसके नीचे लोग रह रहे हैं। देख रहे हैं ये छपरा मगरवी का जो कुर्मियाना टोला है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये शासन की लापरवाही है। जब उनको मालूम था कि बाढ़ यहाँ क्षेत्र आती है, 2022 में भी आया था, पूर्व यहाँ मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो कम से कम शासन प्रशासन को बाढ़ आने के पहले, जो है बारिश चालू होने के पहले सारी व्यवस्था देनी चाहिए थी। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम हैं संत कबीर नगर के दक्षिणी छोर पे, और आपको हम बता दें यहाँ पर लगभग हर साल यही रहता है कि हर साल यहाँ से लोग जो है बाढ़ के प्रभावित रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राम वृक्ष यादव भी हैं, समाज सेवी के साथ साथ कई नेता आए हैं जो कि यहाँ पर बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं, और ये समस्या जो है जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुँचाएंगे कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आए और एक बार निरीक्षण करें और जो भी समस्याएं यहाँ पर हैं इन लोगों की बात को सुना जाए। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कहाँ पर आप पहुँचे हैं आज? देखिए अभी पुर्मियाने टोला है छपरा मगरबी का, हाईसर विकास खंड का, पौली विकास खंड का। ये पूरा जो 20-25 घर है पूरा मैरून हो चुका है, और जो रिंग बंधा है उस पर पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं जी। अभी तक सरकारी अमले की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। एसडीएम महोदय से अभी हम लोगों ने धरंगटा में माननीय सांसद जी से कह करके बात कराया गया जी। वो कह रहे हैं उनके अधिकारी हर जगह मौजूद हैं, यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी है? लेखपाल कभी कभी आते हैं, कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरा गांव मैरून है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग बीमारी से ग्रसित हैं। जब बाढ़ का पानी आएगा, बरसात का पानी, तो निश्चित तौर पर बीमारी पैदा होगी। तो ये कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन कान में तेल डाला हुआ है। अभी यहाँ से जाने के बाद हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं और यहाँ के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। 2022 का समय था और मुख्यमंत्री जी का इसी क्षेत्र में दौरा था और इनका कार्यक्रम भी लगा था। उन्होंने खुले मन से कहा था जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और जो लोग उस क्षेत्र में आते हैं उन लोगों को कहीं जमीन देकर वहां पर घर का व्यवस्था कराया जाए, तो ऐसा कुछ अभी हुआ? तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख लें इस बंदे पर, मदराहा बहरगाड़ी बंदे पर, अभी आपके उस दक्षिणी छोर पर जो गुणवतिया, गाय घाट, चकदहा, भौआ पर, सरैया, खरैया, इस गांव जो है, और यहां पर आप देख रहे हैं एक कट गए, बाढ़ में विलीन हो गए। अभी तक बंधे पर लोग अपना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर के रह रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था शासन प्रशासन सरकार द्वारा नहीं की गई, जबकि कई दूसरी बाढ़ तीसरी बाढ़ आ गई है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। ये शासन प्रशासन बिल्कुल कान में तेल डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, यही सब चल रहा है। जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक लोग एक छप्पर के नीचे, अभी तक लोगों को पन्नी तक नसीब नहीं हुई है, एक छप्पर बना करके उसके नीचे लोग रह रहे हैं। और आपसे बतावें, एक छप्पर के नीचे एक कमरे में कमरा बना करके, पार्टीशन करके, उसी में जवान, बेटी, बहू, बच्चे, यहाँ तक कि बकरी छेरी रख करके लोग उसमें जी रहे हैं। ये स्थिति हमारे क्षेत्र की है। मैं शासन प्रशासन से प्रबल मांग करता हूँ, लोग कुंभकर्णी नीति तोड़े और जनता की समस्याओं पर खड़े उतरे, नहीं तो समाजवादी पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। सांसद, आपके संत कबीर नगर के सांसद समाजवादी पार्टी किसी क्षेत्र में आए हैं? जी जी, तो हो सकता है यहाँ आपके बीच में आ जाए। अभी उनको हम लोग बताए हैं, अभी गए हैं शायद नारायणपुर माझा क्षेत्र में। अभी मैं यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया हूँ, बताया हूँ कि वहाँ ये स्थिति है। मैं पहले आ गया,
हो सकता है वो भी आ जाए, तो सब लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी, कराई जाएगी। देख सकते हैं जिस तरह से नेताजी ने बताया कि संत कवि नगर के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद भी इसी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और हो सकता है कुछ देर बाद जनता के बीच में आए और जनता से मिले जुले और इस समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों के पास जरूर पहुँचाए। हमारे साथ देख सकते हैं रमेश चंद यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद। नेताजी क्षेत्र में आए हैं, क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ की जो जनता है किस तरह से प्रभावित है? हाँ, देख रहे हैं ये छपरा मगरवी का जो कुर्मियाना टोला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये शासन की लापरवाही है। जब उनको मालूम था कि बाढ़ यहाँ क्षेत्र आती है, 2022 में भी आया था, पूर्व यहाँ मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो कम से कम शासन प्रशासन को बाढ़ आने के पहले जो है, बारिश चालू होने के पहले सारी व्यवस्था देनी चाहिए थी कि बंधा ये यहाँ से टूट सकता है। अभी सारे लोग जो है पानी में घिरे हैं, बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, लोग दहशत में हैं कि कहीं ऐसा न कि पूरा गांव जो है घर घर जो है डूब जाए, जिससे यहाँ रहने के लिए दिक्कत है। कुछ लोग बंधे पर जा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये शासन प्रशासन की जो है घोर लापरवाही है। देखा जाता है नेताजी हर साल का यही मामला रहता है, जब गांव किसी गांव में पानी हल जाता है तब जाके अधिकारी आते हैं, उससे पहले कोई नहीं ध्यान देता है। हाँ, तो ये यही तो लापरवाही है ना कि भ्रष्टाचार में पार्टी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। केवल इनका काम जो है कहने का है कि पेपर में है, एक ट्राली मिट्टी गिराएंगे 10 ट्राली लिखेंगे, ये स्थिति इनकी है। पूरे बंधे पर इनकट है, ये रिंग बंधा है, टूट ये इस पहले अगर व्यवस्था की गई होती तो अब ये बाढ़ का पानी ऊपर नहीं बहता, लेकिन बिल्कुल कान में तेल डाले हुए है, केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए ठेकेदार, यहाँ के विधायक, यहाँ की जनप्रतिनिधि, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी जो अपने को नेता कहते हैं, जो सत्ता सरकार में जिनकी पहुँच है, ये सब कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता के विकास के पैसे को लूट रहे हैं। बाढ़ बचाव का जो पैसा आता है ये केवल बंदर बांट कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के ठेकेदार, कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ से मिट्टी नहीं खोदवाएंगे, बाहर से मिट्टी ला करके इस पूरे बांध को बंधवाएंगे। तो आप लोगों को पूरा भरोसा है कि नहीं? देखिए भरोसा जब तक काम नहीं होगा तब तक कोई भरोसा नहीं। वादा करने के लिए तो पिछले साल भी किए थे, उसके पिछले साल भी किए थे, बाढ़ तो हर साल आती है और यही वादे करके हर साल जाते हैं कि अब की बार करवा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, और ये वही बांध है जहाँ पर हम मौजूद है, और अगली बार आप जब यहाँ पर आए थे 2022 में तो ये यहाँ पर ठेवने पर पानी लगा था, लेकिन अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर इस कदर है कि बंधे से ऊपर आने वाला पानी है और वही इलाका है जो ये बंधा है, ये बंधा है। इस बंधे पर अगर कभी भी रात बिरात कभी भी अगर पानी आता है तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं ये बाढ़ से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और करना पड़ जाएगा इन लोगों को, क्योंकि जब तक यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार प्रशासन के लोग नहीं पहुँचेंगे तब तक हमको लगता है यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे थे वीर गुप्ता के साथ पूर्वांचल न्यूज़।